कुंवर विजय शाह एक दिवसीय दौरे के दौरान खालवा ब्लॉक के कुमारखेड़ा मेघनाथ बाबा के मेले में पहुंचे। हरसूद विधानसभा के खलवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुमारखेड़ा में मेघनाथ बाबा का दो दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस मेले में बैलगाड़ी रेस का आयोजन भी किया गया। इस मेले में विशेष बात यह रही, आदिवासी परंपराओं के साथ गोल खंभे के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया रही, जो इस लगभग 100 फीट ऊंचे लंबे खंभे पर चढ़ जाता है, उसे ही आदिवासी समाज की परंपराओं के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। वहीं इस आयोजन में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के साथ अपर कलेक्टर व जिला पंचायत CEO नंदा भोलावे, खालवा तहसीलदार अतुलेश सिंह, खालवा जनपद पंचायत CEO KK उके व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। सर, आज आप मेघनाथ बाबा के मेले में यहाँ पहुँचे हैं, तो सर क्या है यहाँ का पूरा प्रायोजन? देखिए, आदिवासी गौंड समाज रीति रिवाज परंपरा और प्रथाएं, जो हमारे गौंड समाज में रीति रिवाज परंपराएं और प्रथाएं, हम इनको निभा रहे हैं। हमारे आदिवासी बंधु और ख़ास करके गौंड समाज के व्यक्ति जो मेघनाथ बाबा के मेले में गल घूमने के बाद ये सबके सुरक्षा की और सबके अच्छी फसल की कामना करते हैं कि हमारी अच्छी फसल आए, कोई बीमारी ना हो, और मान्यताएं होती हैं, मान्यता का वहाँ पे चढ़ावा होता है, और चढ़ावे के बाद वो गल में लोग घूम करके और प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे प्रदेश को ना सिर्फ सुरक्षित रखें, मेघनाथ बाबा की कृपा बनी रहे। उसी तरह ये जो आप झंडा तोड़ने का स्थान देख रहे हैं, ये एक ही लकड़ी होती है जो 50-60 फीट, 70 फीट से 100 फीट तक ऊपर होती है, और जिसमें हमारी माँ बहनें छड़ियों से इनकी रोकने का प्रयास करती हैं। गेरू और तेल लगाकर ये व्यक्ति की बलिष्ठता का परिचायक भी होता है, और पूर्व समय में जो व्यक्ति झंडा तोड़ता था, ये माना जाता था कि वो गांव में सबसे बलिष्ठ व्यक्ति है, और इतने संघर्षों के बाद अगर वो ऊपर चढ़ कर के हमारा वो खेलों के भावना भी होती है, बलिष्ठता की भावना भी होती है, प्रतियोगिता की भावना भी होती है, और हमारे देवता के। खालवा से मुकेश जाधव की रिपोर्ट।